जी तो सिक्योरिटी एंड लॉगिन सेटिंग में सबसे पहले रिकमेंडेड सेटिंग है कि चूज फ्रेंड्स टू कांटेक्ट इफ यू गेट लॉक्ड आउट, यानी अगर आप किसी वजह से फेसबुक आपको लॉक कर देती है, आपका अकाउंट लॉक हो जाता है, लॉगिन नहीं हो पा रहा होता, उसके लिए सेटिंग है कि आप कुछ फ्रेंड्स जो हैं, 3 से 5 फ्रेंड्स जो हैं वो बता देते हैं, जो आपको उस लॉकआउट प्रोसेस से वापस निकलने में आपकी हेल्प करते हैं। तो वो चूज फ्रेंड्स जो हैं वो आप यहाँ पे करेंगे, ये चूज ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स, और यहाँ पे मेरे कॉन्टैक्ट्स में ये ताज, मेयर, फरहान, चलिए मैं कर लेता हूँ, और UMAR उमर, ये 3 कॉन्टेक्ट्स मैंने कंफर्म कर दिए। तो अब जब भी कभी मेरा अकाउंट किसी वजह से लॉकआउट हो जाता है तो मैं इन कॉन्टेक्ट्स की मदद से, इन फ्रेंड्स की मदद से अपना जो अकाउंट है वो अपना जो अकाउंट है वो दोबारा रीइनिशिएट करवा सकता, अपना जो अकाउंट है वो मैं लॉकआउट पोजिशन से वापस ला सकता हूँ। अब इसी तरह यहाँ पे अगली सेटिंग है, वेयर यू आर लॉग्ड इन, आप कहाँ से लॉग इन हैं, अगर आप लाहौर से हैं, कराची से हैं, यूके से हैं, यूएसए से हैं, तो वो सारी जितनी पोजीशन से आप लॉग इन हुए हैं वो सारी यहाँ पे शो हो रहा होगा। मेरी एक ही पोजीशन है तो इसलिए ये एक ही यहाँ पे जो पोजीशन शो हो रही है। अब लॉग इन इंफॉर्मेशन आप चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड वगैरह अपना चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, करंट पासवर्ड है, न्यू है, रीटाइप आपने करना है तो फिर आपने सेव कर देना। इसी तरह लॉग इन विद योर प्रोफाइल पिक्चर, अगर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर से लॉग इन होना चाह रहे हैं, यानी जब भी आप लॉग इन होंगे आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर सामने नजर आ रही होगी, उसको क्लिक करेंगे तो वो लॉग इन हो जाएंगे। तो ये भी आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं करवाना चाहते हैं तो फिर इसको आपने जो है वो टर्न ऑफ कर देना है, ठीक है, टर्न ऑफ प्रोफाइल पिक्चर लॉगिन। आमतौर पर हम इसको टर्न ऑफ ही रखते हैं क्योंकि आपका कंप्यूटर कोई भी यूज कर सकता है दूसरा आके, तो इसलिए इस सेटिंग को मैं रिकमेंड करता हूं कि आप जो है वो ऑफ ही रखें, लेकिन अगर आप ऑन रखना चाह रहे हैं तो मुझे कोई इतराज नहीं है। अब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है कि अगर आपका जो अकाउंट है फेसबुक का वो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर उसके अंदर है तो आप उसको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा दें, यानी आप, मैंने ऑन की हुई है, यानी जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो वो आपको लॉगिन पासवर्ड के साथ साथ आपको एक कोड भेजेगा जो आपने सेट किया होगा यहाँ पे मोबाइल के अंदर, वो कोड आप देंगे तो आपकी जो है वो ऑथेंटिकेशन जो है सेट होगी, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो जो बड़ी कंपनीज हैं या आपका अगर अकाउंट जो है वो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर है तो आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा। यहाँ पे मैं पासवर्ड देता हूँ, पासवर्ड मैंने दे दिया और मैं सबमिट करता हूँ, तो ये गेट स्टार्टेड करेंगे आप, ठीक है, थ्रू SMS, और ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आ जाएगी, थ्रू गेट स्टार्टेड करेंगे ये मैसेज आएगा नेक्स्ट। अब ये कोड है जो एंटर 6 डिजिट कोड व्हेन यू सेंड, ये मुझे इन लोगों ने भेजा हुआ है, ये 0444692, जैसे मैं इसको नेक्स्ट करता हूं तो ऑथेंटिक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को जो है वो ऑन हो गई है। तो अगर आप इसको ऑफ रखना चाह रहे हैं तो वो आप यहां से फिर उसको ऑफ कर लें। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेरे केस में मैं इसको टर्न ऑफ ही रखना जो है वो बेहतर समझता हूँ। तो हम दोबारा जाते हैं जरा सेटिंग की तरफ, और हम सिक्योरिटी और लॉगिन सेटिंग में काम कर रहे हैं। अब आगे कुछ देखें, डिफरेंट अथराइज्ड लॉगिन्स के, आप अगर एक से ज्यादा डिवाइसेस पे लॉगिन है, कोई मोबाइल्स है, टैब्स हैं, तो वहां पे आप उसको बता सकते हैं, या सिक्योरिटी का इश्यू है तो आप वहां से उनको रिमूव भी कर सकते हैं कि वहां पे लॉगिन नहीं होना। तो ये सेटिंग आप यहां से करेंगे। डिफरेंट एप्स जो आप यूज करते हैं वो एप्स आमतौर पर फेसबुक पे पासवर्ड से आप लोग जो है उन एप्स को भी यूज कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए अगर आप डिफरेंट पासवर्ड्स हर ऐप के लिए जनरेट करना चाह रहे हैं तो वो फिर आप यहाँ से, जैसे एक्स बॉक्स, स्पॉटिफाई या स्काइप के लिए,
तो फिर आप यहाँ से उनके लिए जो है वो पासवर्ड जो है वो जनरेट करेंगे। तो मेरे केस के अंदर मैं तो एप्स ज्यादा यूज नहीं करता, तो इसलिए इसको मैं रहने देता हूँ। अब इस तरह सेटिंग, आप एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अगर आप सेट करना चाह रहे हैं कि अगर अनरिकग्नाइज लॉगिन, अगर फेसबुक ये देखे कि कोई दूसरा आपके अकाउंट को लॉगिन कर रहा है, फर्ज करें आप पाकिस्तान में बैठे हुए अभी लॉगिन हुए हैं, कोई यूके में आपका लॉगिन कर रहा है या अमेरिका के अंदर लॉगिन कर रहा है, तो वो फौरन आपको नोटिफाई करेगा, आपको नोटिस भेजेगा कि ये फलां बंदा जो है या फलां जगह से ये आपका लॉगिन हुआ है, तो वो आपने गेट नोटिफिकेशन कर देना है। तो फेसबुक का नोटिफिकेशन, अगर कोई मैसेंजर से लॉगिन हुआ है तो उसका भी नोटिफिकेशन आएगा, और अगर ईमेल से नोटिफिकेशन तो वो आपको ईमेल भी भेज देगा। तो मैं मैसेंजर से नोटिफाइड कर लेता हूँ कि जब भी कोई लॉगिन करे मेरे अकाउंट के अंदर जो कि फेसबुक को लगे कि ये अनऑथराइज्ड है, तो वो मुझे मुझे मैसेंजर पे इतला दे, तो मैं इसको सेव कर लेता। यहाँ पे देखें 3 to 5 फ्रेंड्स, ये ऊपर आ चुकी है सेटिंग, ये फेसबुक अलर्ट आ गया है, टर्न ऑन लॉग इन अलर्ट, वी सेंड यू द मैसेज, ये इस तरह मैसेज फेसबुक भेज देगी। ओके, अब एडवांस लेवल की इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, अगर आप पब्लिक और प्राइवेट की से इंक्रिप्शन कराना चाह रहे हैं तो फिर आपने एडवांस लेवल में जाना है। तो मेरे केस में इसकी इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर है तो फिर आपने यहाँ पे पब्लिक की देनी है, और जितने भी आप फेसबुक और आपके ईमेल के दरमियान, आपके सिस्टम के दरमियान कम्युनिकेशन होगी वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होगी, यानी कोई दूसरा उसको अगर दरमियान से हैक कर लेता है या दूसरा उसको ले लेता है, तो वो उसको उस इंफॉर्मेशन को पढ़ नहीं पाएगा कि वो किस किस्म की इंफॉर्मेशन है। ओके, तो ये थी हमारे पास सिक्योरिटी और लॉगिन की ऑथेंटिकेशन।